79 सीटें इन्होंने चोरी है, हत्याई हुई सरकार है, ये वोट फॉर डेमोक्रेसी ने सिद्ध करके दिया कि इन्होंने जो 5 करोड़ वोट बढ़ाया है उसमें इनकी 79 सीटें आई है, नहीं तो 160 सीटों के ऊपर ये जीते नहीं है। अजय आलो नहीं, उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक बार उल्टा सवाल पूछा, मैं कभी किसी का इंसल्ट नहीं करता, मुझे अपनी बात कहने का हक है ना, अधिकार है ना, इन्होंने व्हाट्सएप हमारे खिलाफ बोल रहे हैं, आप तो भी मुझे बोलने दीजिए, आप भी अपने फैक्ट्स रखिएगा, आप अपने फैक्ट्स इनको बोलिए ना जरा, शांति। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। बीजेपी के तीसरे कार्यकाल या यूं कहें एनडीए गठबंधन में तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसमें सरकार बनने के बाद इन 100 दिनों में क्या कुछ हुआ, इस मुद्दे पर डिबेट हो रही थी कि बीच डिबेट में ही कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल लौंडे पाटिल और बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। नौबत तू तराक तक पहुंच गई। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे के कार्यकालों की कमियां गिनाने में लगे हुए थे। मुद्दे की बात बहुत कम ही हुई, बस एक दूसरे की नाकामियां ही बताई गई, जिसके कारण बीच डिबेट में ही जबरदस्त बयान बाजियां चलने लगी। अंत तक देखिए यह शानदार डिबेट, आइए देखते जाएगा। अतुल लौंडे जी, यही 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 एक प्लस पॉइंट मिल जाता है बीजेपी को कि और वक्त पे तो आप लोग सब हम साथ साथ है, पर जब आम आदमी पार्टी की बात आती है तो कांग्रेस और आपके बीच में कभी नीम नीम, कभी शहद शहद, कभी आपके नेता कहते हैं कि ये कट्टर भ्रष्टाचारी हैं, फिर उनके साथ में खड़े हो जाते हैं। बीजेपी इसी मामले में आगे निकल जाती है, कहते देखो ये तो सब भ्रष्टवादी लोग साथ में खड़े हुए। नहीं देखिए, अभी भाषा का स्तर आलोक जी जैसा प्रवक्ता गिराता है तो बुरा लगता है, लेकिन फिर मैं कहूँ क्या कि एक तड़ीपार को देश का गृहमंत्री बनाया, कहूँ क्या मैं करण जी को एक विनती करूँगा, करण जी राजरत्न अंबेडकर जो परपोते हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के, उन्होंने क्या कहा एक बार वो भी सुन लीजिए, नहीं तो मुझे नंबर भेजिए इनका, मैं इनको भेजता हूँ वो। और रही बात, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप, हम आपका साथ देंगे, 50% की मियाद हटा दो, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाओ, हम आपके साथ में खड़े रहेंगे, 50% की मियाद हटा दो। एक व्यक्ति जिस पे बलात्कार का केस चला हो उसको एलओपी बना दिया, हटा दो, हम साथ में खड़े हैं, हम साथ में खड़े हैं, मैं भी कहूं क्या, एक व्यक्ति बलात्कार का केस चला हो उसको एलओपी बना दिया, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, मैं कहूं क्या, नहीं मैं भी कहूं क्या, ये देखो बलात्कारी कट्टर बलात्कारी पार्टी, आप गिरा रहे हैं, राजभूषण शरण सिंह को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है, देखो अब तुम दम पे आ गए, सिंह को बलात्कारी को उठा के कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, जिससे मुकदमा चल चुका है, अभिमान को और स्वाभिमान को महिला पार्टी को घसीटा है, और मुझे कह रहे हैं घसीटा है, अभी महाराष्ट्र में बलात्कार हुए उसमें तुम्हारे सारे लोग है, एबीवीपी के लोग देश की बुराई करते हैं, बाहर में जाके भी देश की तुम्हारे स्वाभिमान की बात, जो रेप हुआ सारा झूठ मेरे चरित्र देखिए, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं हमारा आरएसएस का, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं आरएसएस का, देश का सबसे बड़ा कैंसर है कांग्रेसी बता दे रहा हूं, जो बलात्कार निकलता है बड़ा कैंसर है कांग्रेसी, अरे 70 साल से देश की जड़ों को मट्टा बोलने का काम कर रहे हैं, बालेश धनखड़ नाम का ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज, जब तक गांधी परिवार है ना कांग्रेस इस देश की जड़ों को मट्टा बोलते रहेगी, कैंसर है देश के लिए आप लोग, और इस देश के प्रधानमंत्री 2015 में राजू सबनानी हिजबुल्ला का साथीदार, सोचिए राजू सबनानी हिजबुल्ला का साथीदार, उससे 1 लाख रुपए का चेक लेते हुए 70 साल में इस देश ने पहली बार देखा, चाइना के साथ डील करने, चाइना से चंदा लेने वाले मुझे ज्ञान है, एक आदमी से मान रहे हैं कि तीसरा टर्म तो मिल गया है मोदी सरकार को, पर हमेशा आप में हिचकिचाहट रहे, बीजेपी में हिचकिचाहट रहे, गंगा मैया की साफ सफाई के लिए वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा, और 100 दिन में काम हुए बट कॉन्फिडेंस नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तड़ी पार को गृह मंत्री बनाया, देखिए अब बोलने दीजिए भाई अतुल जी, अब आप देखिए महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर मुझे बड़ा दुख होता है जब प्रियंका वाड्रा लाल सिंह को जो कथुआ रेप में हुआ उसके सपोर्ट में खड़ा हुआ, जिसको बीजेपी ने निकाला, उसको आपने टिकट दिया जम्मू कश्मीर में और स्टार कैंपेनर बनाया जम्मू कश्मीर के लिए, और करण जी उनके साथ जब समीर उसमें केरला में कास्टिंग काउच की बात उठाती है तो आप लोग उसको बाहर निकाल देते हैं, तो आप जब केरला में ये हरकत करते हैं करण जी, जब वो मोर्चा निकाल रहे थे तब पूरा मीडिया और पूरी बीजेपी वो दोनों मीडिया के पीछे खड़े थे, ये बात आप जरा कहां थे करण वर्मा, ममता बनर्जी कहां थे, देखते हैं आरजी का रेप होता है, करण वर्मा कहां थे, राजभूषण शरण सिंह अगर महिलाओं के साथ भी नहीं खड़ा हूं, इस देश के स्वाभिमान अभिमान महिला पहलवानों का शोषण कर रहा था, तब कहां थे बीजेपी और करण वर्मा, कड़वा कड़वा थूथू नहीं चलता सर, कहां थे कुलदीप सेंगर के, वो नहीं चलेगा, देखिए वो बात फिर वही आकर के अटक जाएगी कि वो आपके प्रदेश में ऐसा हुआ, आपके नेता वैसे, ये इसका कोई अंत नहीं, ऐसा कोई अंत नहीं, बिल्कुल दोनों की बुराई होनी चाहिए, पर अंत में ये पूछना चाहती हूँ, 100 दिन मोदी सरकार के, अतुल जी आपसे शुरुआत करती हूँ, एक अच्छी चीज आप बताइए जो आपको लगता है सरकार ने सच में की है, आपको लगता है नजर में कुछ भी अच्छा हुआ है पिछले 100 दिनों में या सब बेकार था, ऐसा है पद्मजा जी मैं कौन हूं,
चार स्टेट के चुनाव है, मेरा ये स्टेटमेंट ध्यान में रखो, चार स्टेट के चुनाव है, मैं कौन हूँ, इस देश की जनता जवाब देने वाली है, 79 सीटें इन्होंने चोरी है, हत्याई हुई सरकार है ये, वोट फॉर डेमोक्रेसी ने सिद्ध करके दिया कि इन्होंने जो 5 करोड़ वोट बढ़ाया है उसमें इनकी 79 सीटें आई है, नहीं तो 160 सीटों के ऊपर ये जीते नहीं है। ठीक है, 100 दिन का जवाब चार राज्यों से आपको मिल जाएगा। अजय आलोक, आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई पिछले 100 दिनों में, जो टारगेट सेट किया था उसमें सरकार को कुछ जो करना था, जो लक्ष्य था, उससे कुछ कमी रह गई? पद्मिता जी, आपके पास लिमिटेड कार्यक्रम में समय होता है, नहीं तो मैं बोलने लगूंगा ना, तो अकेले 45 मिनट सरकार ने 100 दिन में क्या क्या किया है उस पर बोल सकता हूँ विद डेटा एंड विद फिगर। रॉकेट टेक ऑफ कर चुका है, और रॉकेट टेक ऑफ जब कर जाता है ना तो वो फिर लाउड रोटेट करके और अपना काम करके ही लौटता है। तो ये मोदी 3.0 का रॉकेट टेक ऑफ कर चुका है, 5 साल ये लगातार विकास और प्रगति करेगा और 29 में फिर से रॉकेट टेक ऑफ करेगा। तैयार रहिए, चार राज्यों की बात कर रहे हैं, राज्य क्या, हम देश भी स्वीप करेंगे। सुनील यादव जी, कुछ अच्छा कुछ खराब 100 दिन का हिसाब? जी जी, देखिए अच्छी बात यह है 100 दिन में कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो सदन में कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, उस प्रधानमंत्री जी ने सहयोगियों के सामने घुटने टेक दिए। और अगर बीजेपी जो नहीं कर पाई, जैसे अगर ये बहुमत में आ गए होते संविधान खत्म कर देते, लोकतंत्र को कमजोर कर देते, मनमानी करते और शायद पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण भी खत्म कर देते, वो नहीं आरक्षण राहुल खत्म कर रहे हैं, कर भी नहीं पाएंगे। हम केवल एक बात, आरक्षण राहुल खत्म कर रहे हैं। आपने शुरुआती दौर पे कहा कि मोदी जी 50% की मियाद हटाओ, साथ में हम खड़े, अभी तुम्हारी पोल खोल देता हूं। आरएसएस भरोसा नहीं कर रही है तो किसान कैसे करेगा, आरक्षण राहुल खत्म कर रहे करेगा, महिलाएं कैसे करेंगी, बयान पे सफाई देनी पड़ी। करण जी मैं आपको सुन रहा था, आलोक जी आपको क्या मालूम है कि इस देश में कौन सी ऐसी सरकार है जिसने बलात्कारियों को जेल से रिहा किया और फिर माननीय न्यायालय ने फटकार लगाई तो फिर वो बलात्कारी जेल गए? वो कौन सी राष्ट्रवादी पार्टी, आपको नाम मालूम है उसका, उसके नेताओं का नाम मालूम है? नाम है भाजपा नेता मोदी जी, शाह जी, जिन्होंने जेल से उनको रिहा किया था। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों के चिमन भाई पटेल की सरकार ने वो कानून बनाया था। चिमन भाई पटेल किसके थे? मानी भाई, चिमन भाई पटेल किसके थे? उन्हीं की सरकार ने कानून बनाया था 92 में, साथ नहीं 10 साल से ज्यादा सक्षम कारावास के बाद खड़े हैं। और ये देश चिमन भाई पटेल किसके थे? मैं केवल एक बात अपनी बात खत्म करूंगा, ये लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में असली जवाब जनता जनार्दन देती है। आपको जवाब देखना है पद्मनाभ जी, तो आप जम्मू कश्मीर का रिजल्ट देखिएगा, हरियाणा का देखिएगा, फिर महाराष्ट्र का देखिएगा, फिर झारखंड का देखिएगा और फिर बिहार और दिल्ली का देखिएगा। बिहार के बाद फिर बयार बदल जाएगी, बिहार बदल जाएगी, दिल्ली हम लोग कभी इस पर बहस नहीं करेंगे कि आज प्रधानमंत्री जी के 500 दिन पूरे हुए। ठीक है, 100 पर तो बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक लोकतंत्र में सरकार का जो काम है, उसके जो वादे थे, उसका हिसाब लोग करते हैं, वो जाकर ईवीएम में अपना जवाब दर्ज करते हैं। गजब हालत है भाई। अभी अतुल लौंडे पाटिल सोया हुआ हुआ क्या बोल रहे थे, अतुल जी कच्चे पाम सोया सूरजमुखी तेल के आयात, मतलब जो फॉरेन से मंगवाते हैं उसके ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है 12.5% से 32.5%। और क्यों, रिफाइंड तेल के ड्यूटी के ऊपर 13.75 से 35.75 किया गया, जो आयातित होगी इम्पोर्टेड, क्यों? ताकि इम्पोर्टेड तेल खरीदने से लोग बचें और हमारे किसानों को फायदा हो। लेकिन आप पढ़िएगा नहीं, आपको अपना कांग्रेस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कांग्रेस का रिसर्च थिंक टैंक के डेटाज आते हैं, लेकिन डेटा वो ही बताया कि ये ना जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हो, लेकिन लगातार नेगेटिविटी। अरे बर्बाद कर दिया आपने हिमाचल को, कर्नाटक को, एक सवाल पूछो सामने क्या? दिख रहा है जब मुख्यमंत्री कहता है कि मैं सैलरी नहीं लूंगा दो महीने की सैलरी नहीं लूंगा मैं, खटाखट योजना में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कैसे लाइन लगी थी? एक मिनट बीच में नहीं दिख रही, मैं एक भी नहीं बोलता हूँ, एक ही सवाल, खटाखट योजना कहता है चुनाव के बाद 5 जुलाई को कैसे कांग्रेस दफ्तरों के बाहर भीड़ लगी। एक काउंटर क्वेश्चन लेने देते हैं, एक काउंटर क्वेश्चन, हाँ लेने दीजिए, हाँ ले लीजिए। सोयाबीन की फसल कितनी फसल आती है साल भर में, सोयाबीन की कितनी फसल आती है साल भर में आलोक जी? सोयाबीन के किसानों को जो नुकसान हो रहा था उसी के देखते हुए नीति बनाई थी, नीति कभी बनाई है आपने? सोयाबीन की कितनी फसल आती है साल में, पढ़िए ना ठीक से, क्या नीति जो इंप्लीमेंट होने जा रही है? हो गया आपका सवाल, हो गया, अभी आगे सुनिए।
अरे सवाल हो गया तो सुनिए, सुनिए सुनिए सवाल हो गया, सुनिए ना आगे आराम से। व्यापारी के पास चला गया सोयाबीन, यार चार गलाने लग रहे हैं, कभी 4200 भाजपा प्रवक्ता बना देने अभी एक दो सवाल पंद्रह ही पूछेगी तुमको, मोदी मीडिया कहने लगेगा। सुनिए सुनिए ठीक है, पंद्रह ही ऐसे चलता है, मैंने एक बार भी डिस्टर्ब नहीं किया। ठीक है अजय आलो, नहीं उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक बार भी उल्टा सवाल पूछा, बीच में किसी का इंसल्ट नहीं करता, मुझे अपनी बात कहने का हक है ना, अधिकार है ना, इन्होंने व्हाट्सएप हमारे खिलाफ। दोस्तों आम चुनाव में भाजपा के बहुमत से चूकने के बाद नई सरकार की भावी कार्य शैली रीति नीति में कई तरह के बदलाव के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में नीतिगत स्तर पर कोई बदलाव नहीं दिखा। विकास विदेश नीति से लेकर हिंदुत्व तक मोदी सरकार अपने पिछले दो कार्यकाल की तरह ही पुराने अंदाज में आगे बढ़ रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं, वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें, धन्यवाद।